हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा कि दोस्तों नो लाइट प्रॉब्लम। तो नो लाइट प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है। कौन कौन पोजीशन से नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है इसका ऊपर कुछ भी सीआरटीडी भी हो सकता है सबका ऊपर मैं मेरा चैनल के अंदर वीडियो अपलोड करके कवर किया हूँ। तो बात दोस्तों, आज का ये जो वीडियो पूरा सा अलग सा एक वीडियो है, अलग सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑल वोल्टेज ओके है तब भी दोस्तों एल जी का चैसिस है और ये बड़ा एक टेक्नीशियन का चैसिस है। तो वो टारगेट करके सब कुछ चेक करके देखा और वो बताया कि इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है तभी लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होगा, शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन हो सकता है, पुराना टेक्नीशियन भी हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद अलग से नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं आपको वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये एल जी का एक चैसिस है, ये छोटा सा चैसिस है एल जी का जो सीआरटी टीवी है। और अब देख सकते हो ये चैसिस का जो मेन प्रॉब्लम है कि नो लाइट प्रॉब्लम, और ये एक बड़ा टेक्नीशियन का ये पीसीबी है। तो वो आइडेंटिफाई किया कि इसका आईसी प्रॉब्लम है, हो सकता है अलग कुछ प्रॉब्लम था इसलिए वो ये आईसी को चेंज किया। आईसी नंबर भी आप देख सकते हो, ठीक है, देखिए आप आईसी नंबर लिखा है TDA-1105PS N3x3x AN4, ठीक है, ये आईसी नंबर है। और दोस्तों ये देखिए ESD जो लगा है, ESD भी चेंज किया है, ESD न्यू ESD कंपनी भी आप देख सकते हो। ये मार्केट के अंदर WY का ESD चल रहा है, ये बहुत चल रहा है। ये नंबर भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो ESD नंबर, ठीक है। और इसका हो सकता है इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी चेंज किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो कुछ चेंज किया है सब कुछ आपको एक बार देखा है आप देख सकते हो। और मैं ये जो मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है इसका अंदर कनेक्शन करके आपको चेक करके देखाऊंगा, ठीक है। तो पार्टी के घर पर ये सब कुछ ओक किया करने के बाद इसका लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद वो उसका मन में जो चल रहा है कि इसका पिक्चर ट्यूब भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इसका वोल्टेज सब कुछ ओके है। तो ठीक है, इसी तरह जो मेरा व्यूअर्स है ये भी कमेंट करते हैं कि सर मेरा पीसीबी का सब कुछ वोल्टेज ओके है तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ वोल्टेज चेक करके देखूंगा, कुछ वोल्टेज गड़बड़ आएगा तो ये भी आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। मैं पहले से इसका वर्टिकल वायर, हॉरिजॉन्टल वायर सब कुछ कनेक्शन किया, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए मैं कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट करके देखूंगा। मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, मीटर का नेगेटिव पर मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। और चलिए सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई दे देता हूँ और सीरीज लाइन से ही मैं सप्लाई देता हूँ। देखिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, देने के बाद मेन कुछ वोल्टेज आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन का अंदर देखिए लाइट नहीं आ रहा है, इसका ESD में मैं थोड़ा इधर उधर घुमा के भी देखा तब भी लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ESD जो फोकसिंग पिन वो डाउन होगा तो लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट दिखाऊंगा कि ESD सप्लाई, ये जो पॉइंट है इसका ESD सप्लाई कितना है, देखिए 106 वोल्ट, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ESD सप्लाई कितना है, सॉरी 106 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट का आसपास है ये ESD सप्लाई है। और दोस्तों ESD बन रहा है कि नहीं, ये जो 184 लाइन है यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा, देखिए 184 वोल्ट है, मतलब इसका ESD बन रहा है, ठीक है। और अब देखिए फिलामेंट जल रहा है कि नहीं, अब अच्छा करके देखिए इसका फिलामेंट भी जल रहा है, ये देखिए इसका फिलामेंट भी जल रहा है, ठीक है। तो लाइट नहीं आएगा तो फिलामेंट भी दिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं और कंफर्म करके दिखाता हूँ कि इसका वर्टिकल सप्लाई, जब ESD बन जाता है तो इसका वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है, इसका वर्टिकल सप्लाई देखिए अभी -13 वोल्ट, मतलब इसका वर्टिकल सप्लाई भी ओके है, यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं फिर भी दिखाता हूँ, देखिए -13 वोल्ट वर्टिकल सप्लाई ओके है, ये इसका वर्टिकल सप्लाई है। तो चलिए पॉजिटिव लाइन सप्लाई आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव लाइन है वर्टिकल सप्लाई +13 वोल्ट, ये भी ओके है, ठीक है। तो ये सब कुछ ओके है तब भी लाइट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। चलिए मैं ABL लाइन वोल्टेज दिखाता हूँ, देखिए ABL लाइन का अंदर एक जेनर डायोड है, ठीक है, ELG का। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आना चाहिए 3-4 वोल्ट का आसपास, तो उससे मीटर पर देखिए 3.9 वोल्ट, ये वोल्ट भी ओके है। और यहाँ पर चलिए डायोड का ये साइड जो वोल्टेज आना चाहिए देखिए 6.3 वोल्ट, मतलब ये ABL वोल्ट भी ओके है तब भी लाइट नहीं है।
तो लाइट नहीं आएगा तो और क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए बेसबोर्ड पर वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलामेंट तो जल रहा है तो अलग अलग कैथोड पिन पर वोल्टेज दिखाना पड़ेगा। देखिए ये जो पिन है यह कैथोड पिन, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 116-117 वोल्ट के आसपास, ये दो फिलामेंट का, और उसके बाद ये कैथोड पिन है, ये कैथोड पिन पर वोल्टेज देखिए 165 वोल्ट, ये भी ओके है। और उसके बाद दोस्तों ये G2 का पिन है, G2 वोल्टेज भी देखना पड़ेगा। G2 वोल्टेज नहीं आएगा तो दोस्तों G2 वोल्टेज नहीं आएगा तो लाइट नहीं आएगा। बार दोस्तों देखिए यहाँ पर G2 वोल्ट, दोस्तों G2 वोल्ट हाई शो हो रहा है। चलिए मैं 600 DC रेंज पर सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए 400 का ऊपर G2 वोल्ट है, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट आएगा तो G2 वोल्ट थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है। और उसका नीचे ये भी एक कैथोड पिन है, यहाँ पर भी वोल्टेज आप देख सकते हो 175, मतलब ये बेस बोर्ड का अंदर भी सब कुछ वोल्ट ओके है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो और क्या करना पड़ेगा आप देख सकते हो स्क्रीन का अंदर, ठीक है, लाइट नहीं है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा मैं चेक किया, आपको भी एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब ESC बनेगा तो ये सब वोल्टेज देखने को मिलेगा, और ESC ऑन है कि नहीं है देखिए, आपको ये जो टेस्टर है, टेस्टर लेके दिखाना चाहता हूँ कि ESC का पास टेस्टर को लेके जाना पड़ेगा। देखिए ये जो ESC है, ESC का पास जब आप टेस्टर लेके जाओगे, ये साइड ESC है, देखिए टेस्टर जल रहा है, देखिए टेस्टर ESC का पास जब लेके जाओगे टेस्टर जलेगा, मतलब ESC बन रहा है, ठीक है, तब भी लाइट नहीं है तो और क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टॉपिक के ऊपर मेरा चैनल के अंदर वीडियो नहीं है, मैं पर जब मैं थ्योरी नो लाइट प्रॉब्लम को मैं बताता हूँ कि मैं वो जो टॉपिक है मैं कवर कर देता हूँ। इसी तरह तो दोस्तों आपको देखना चाहते ये जो टेस्टर है, टेस्टर लेके ये जो ESC का फाइनल एनोड का जो वायर है, अब देखिए ये वायर पर आप टच कीजिए, देखिए कुछ भी इसका अंदर देखिए टेस्टर नहीं जल रहा है, अब अच्छा करके देखिए, ठीक है, ये देखिए टेस्टर नहीं जल रहा है, ये जो पूरा वायर है देखिए ये वायर का अंदर टेस्टर नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये जो ESC का जो फाइनल एनोड है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्टर नहीं जल रहा है। टच यहाँ पर आप कभी टच मत कीजिए टेस्टर लेके, ठीक है, थोड़ा सा दूर रख के आप इसी तरह चेक कर सकते हो, ठीक है, तब भी टेस्टर नहीं जल रहा है। तो चलिए मैं आपको कंफर्म करके दिखाना चाहता हूँ इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ESC का ये जो बॉडी है, ये देखिए ESC के जो नीचे वाला बॉडी है, यहाँ पर देखिए ये देखिए टेस्टर जल रहा है, ये बॉडी पर टच करने के बाद देखिए टेस्टर जल रहा है। तो चलिए मैं मोबाइल लाइट ऑफ करके आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ESC का ये जो बॉडी है, बॉडी का पास टेस्टर जल रहा है, मतलब ESC बन रहा है। ये जो फाइनल एनोड का वायर है, ये वायर से जो वोल्टेज आना चाहिए ये नहीं आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको जो दिखाऊंगा कि मैं फर्स्ट डिस्चार्ज करूँगा, क्योंकि जो प्रॉपर वोल्ट आना चाहिए फाइनल एनोड से पिक्चर ट्यूब के अंदर, ये जो हाई वोल्टेज है ये वोल्ट नहीं आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा हल्का सा वोल्ट आ सकता है, तो इसीलिए मीटर का ये दो पॉइंट शॉर्टिंग रहता है, इसलिए मैं ये पॉइंट पर यहाँ से यहाँ पर लगाया, और ये तो नेगेटिव का सब कनेक्शन है, मैं आपको एक हाथ से करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस तरह करके दिखा रहा हूँ। तो ये डिस्चार्ज मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा वोल्टेज इसके अंदर रहेगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, देखिए ये डिस्चार्ज कर दिया। तो दोस्तों मेन सप्लाई में अभी ऑफ करके रखा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा वोल्टेज हो सकता है यहाँ पर आ रहा है, बट प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये फाइनल एनोड से लाइट तो नहीं आएगा, ठीक है, इसका सब कुछ वोल्ट ओके है, बट दोस्तों ये वोल्ट चेक नहीं किया जाता है, बट दोस्तों टेस्टर लेके ये लाइन का अंदर वोल्टेज जाएगा तो जरूर यहाँ पर टेस्टर टच करेगा तो ये टेस्टर जलेगा। देखिए यहाँ पर मैं रख दिया, ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत जो PCB रिपेयर करने का समय दिखाया, जब ESC बन जाता है इसी तरह ये जो टेबल है, टेबल का ऊपर इसी तरह टच करेगा तो बहुत ज़ोर से फायरिंग आएगा, ठीक है, अभी मैं देखूंगा कि इसका अंदर फायरिंग आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आपका मन में कुछ भी कॉन्फ्यूजन मैं नहीं रखना चाहता हूँ, मीटर को देखिए वोल्टेज रेंज फॉर मैं फर्स्ट सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको वोल्टेज टेस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा, मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अभी मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया PCB के अंदर, सप्लाई आ रहा है कि नहीं देखिए,
यहाँ पर जो सप्लाई एसटी सप्लाई आना चाहिए, देखिए मीटर पर 100। चलिए अब देखिए यहाँ पर एसटी सप्लाई, देखिए 106 वोल्ट एसटी सप्लाई आ रहा है और एसटी बन रहा है कि नहीं, ये जो 180 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज देखिए दोस्तों 184 वोल्ट बन रहा है एसटी, ठीक है। फिलामेंट भी जल रहा है और अभी टेस्ट करके आपको दिखाने का टाइम आ गया क्योंकि ये जो फाइनल एनोड है, चलिए मैं इसी तरह मैं पकड़ लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर कारण नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही हल्का सा। देखिए ये जो टेबल का ऊपर मैं टच करके दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं है, पर बहुत ही हल्का सा फायरिंग कभी कभी ये आता है। मतलब ये जो फाइनल एनोड है यह से वोल्टेज नहीं निकल रहा है, आप खुद ही देखिए, ठीक है। तो यही इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये ईएसटी तो न्यू है बट कभी कभी न्यू ईएसटी भी फॉल्ट होता है, क्योंकि ये किस तरह फॉल्ट है कि ये जो वायर है, ये जो वायर है तो दोस्तों फाइनल एनोड के जो वायर है इसका इंटरनल ईएसटी का अंदर एक डार्ट रहता है, हो सकता है वो डार्ट फॉल्ट हो गया, हो सकता है इसका अंदर लूज कॉन्टैक्ट है, जिसका जॉइंट पॉइंट है इसका अंदर वो लूज कॉन्टैक्ट है दोस्तों, इसी तरह इसका फॉल्ट है, मतलब ये न्यू ईएसटी भी फॉल्ट है। तो आपको पूरा कन्फर्म करके दिखाया, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसका अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।